मैं शास्त्री नगर जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जगदीश प्रसाद गुलिचा है। पहले मैं को चलने में 15-20 कदम चलने में ही सांस फूल जाता, चलने में बहुत दिक्कत आती थी। थोड़ी दिल के अंदर जो है वह यहाँ सुइयाँ से चुभती थी और सांस फूल जाता था, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। SM शर्मा साहब को दिखाया था मैंने, जो SMS हॉस्पिटल में थे, वो कार्डियोलॉजी के हेड थे, उनको दिखाया था। और मेरे साले से उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा था, मेरे साले साहब से मेरे को ECP ट्रीटमेंट का बारे में मालूम चला। उन्होंने कहा कि मैंने भी वहाँ से इलाज लिया, मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। और अभी तक कोई 10-12 साल से मैं 12 साल पहले लिया था, अब तक मैं बोल ठीक हूँ। उन्होंने मेरे को प्रेरित किया, मैंने उनसे प्रभावित होकर के मैंने CVM में इलाज लेना शुरू किया, ECP इलाज लेना शुरू किया। ECP के इलाज में मैंने को जो प्रेशर दिया, प्रेशर और बायोकेमिकल एंजियोग्राफी दी थी 20 दिन और 40 दिन प्रेशर दिया, मेरे को इम्प्रूव हुआ। दिनों दिन जो है फायदा होता चला, सांस फूलने में कमी आती चली गई और मेरे को बेटर फील होने लगा। पहले एक मंजिल भी चढ़ा नहीं जाता था, अब मैं 2 मंजिल तक चढ़ जाता, सांस में फूल जो हर सभी स्टाफ का बहुत ही बढ़िया है। और डॉक्टर साहब भी बहुत बढ़िया है, और राजा साहब भी बहुत बढ़िया है। और मैं 45 मिनट घूम लेता हूँ तो कोई सांस नहीं फूलती, मेरे को इस ट्रीटमेंट से बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरी राय तो ये है कि ये ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतर है, यही लेना चाहिए।